हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मोब कंप्यूटर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अंदाज़ा होगा पड़ा कि पेट्रोल की जो प्राइसेज है वो इस वक्त आसमान को छू रही है, मतलब कि पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ गैसोलीन कार्स वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है अगर आप देखें तो, क्योंकि जो पोल्यूशन के अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है वो है इन गाड़ियों का। और अभी अभी इमरान खान ने कुछ दिन पहले इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खिताब किया है कि वो चाहते हैं कि 2030 तक जो पाकिस्तान की गाड़ियाँ उनमें से 30% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अब जो पूरी दुनिया है ना वो इसी नक्शे कदम पर चल रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए और जो गैसोलीन कार्स हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि जो गैसोलीन कार्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। अगर गैसोलीन कार्स को ख़त्म कर दिया जाए तो 70% पाकिस्तान की पोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो अभी इमरान खान ये चाह रहे हैं कि 2030 तक पाकिस्तान में 30% जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स होनी चाहिए। तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारा पेट्रोल बचेगा, मतलब कि आम आदमी को ये फ़ायदा होगा कि उसे पेट्रोल नहीं लेना पड़ेगा। आम आदमी को अगर फ़ायदा होता है तो इससे पूरी दुनिया को, मतलब पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। इससे हम हर साल तकरीबन 2 बिलियन बचा सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करें तो, इससे हमें 2 बिलियन की बचत होगी हर साल। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि 70% ऑफ पॉपुलेशन है ना, जो पॉपुलेशन ही पोल्यूशन है जो पाकिस्तान की, सॉरी पॉपुलेशन कहते हैं मैंने भूल के, 70% पोल्यूशन है जो पाकिस्तान की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में आती हैं तो, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अभी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर कंपनी इलेक्ट्रिक कार लाने की कोशिश कर रही है। अभी सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा जिसका मार्केट शेयर है वो टेस्ला का है और आई थिंक सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार वहीं बना रही है। उसके बाद किया आ जाती है, किया की भी एक आध गाड़ी इलेक्ट्रिक कार और ऑडी की भी है, हुंडई की भी है, मतलब हर कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार लाने की कोशिश कर रही है। और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो 2-3 हफ्तों तक इन इलेक्ट्रिक कार्स वालों के लिए पॉलिसी भी बना लेगी और जल्द ही पाकिस्तान में, मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिल जाएंगी 2-3 साल के बाद, क्योंकि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं वो पाकिस्तान में ज़रूर ही कोई ना कोई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेंगे। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान में एक हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च हो गई है हुंडई आयोनिक, जिसका मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल पर रिव्यू भी बनाया हुआ है। अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल पर जाएँ तो आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यही थी, एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने आप लोगों को गाड़ियों के बारे में बताना था, इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। पीस।